जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम औरंगाबाद एक्सपो के बाहर खड़े हैं। किताबी मेला है, 2022 का साल है और यहाँ पर कई लोग अपने इंटरेस्ट को बताते हुए यहाँ पर सामने आ गए हैं और हम सब यहाँ पर किताबों को और रिसर्चेस को और कई बड़े बड़े आलिमों को, कई बड़े बड़े तकारीर करने वालों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनके नॉलेज से फ़ायदा ही फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब टू माई फ्रेंड चैनल मदर राही। थैंक यू सो मच। हम एजुकेशन एक्सपो के एंट्री गेट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन टाइम हो रहा है 7 बज गए, लेकिन अभी तक मुनव्वर जमा सर आए नहीं, तो उनका ही वेट है कि सर जब इंटर होंगे तो उनके साथ वीडियो बनाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ। आप देख सकते हैं आप लोग उनको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा जानते हैं, लेकिन उनके ताल्लुक से कुछ मालूमात मैंने जमा की है कि वो सीईओ और फाउंडर प्रेसिडेंट है इंग्लिश साउथ अकेडमी के। उनकी जर्नी जो है वो एज अ फार्मासिस्ट शुरू हुई थी। वो एक वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी, मुल्क में 19 से ज्यादा स्टेट वो ट्रैवल कर चुके हैं और इन सारे स्टेट्स में वो नौजवानों से खिताब करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। हमारे खुसूसी मेहमान मुनव्वर जमा साहब को यहाँ पर आवाज देने से पहले मैं उनके लिए या उनकी जानिब से आप लोगों तक इस शेर के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि गिरते रहते संभलते रहते बैठे रहने से तो अच्छा था कि चलते रहते। औरों के कदमों से चलकर तुम कहीं के ना रहे, अपने कदमों पे अगर चलते तो चलते रहते। तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मुनव्वर जमा साहब। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ मुनव्वर जमा साहब को आवाज देता हूँ कि वो माइक पर आए और औरंगाबाद के लोगों से खिताब करे और उनके उनको गाइड करे। मुनव्वर जमा साहब, लाइट आ जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो इधर, हेलो इधर एक बार देखो ना, अरे सर थोड़ा आगे उठे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औरंगाबाद के प्यारे नौजवान बच्चों और प्यारे नौजवान बच्चियों को मेरा तहे दिल से सलाम है और बिलखसूस ये जबरदस्त महफिल जो सजाई है सोशल 7 फाउंडेशन माशाल्लाह, नॉट बिकॉज ऑफ रोनाल्डोज नंबर, नॉट बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी वेट्स गेट जर्टिन, ये 7 मेरा फेवरेट नंबर इसलिए है कि इंसान को 7 चीजों पर ईमान ले आना है, इसीलिए 7 मेरा फेवरेट नंबर है। आप वो 7 चीजों पर अगर ईमान ले आते हैं तो एक मुकम्मल फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजों पर आप ईमान ले आते हैं तो आप मुकम्मल मुसलमान नहीं बन सकते कभी। मुकम्मल इंसान बनने के लिए 7 चीजों पर ईमान ले आना बहुत जरूरी है और उन 7 चीजों पर एक चीज जिस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से सुने, वो एक चीज है मुकद्दर पर भी ईमान ले आना। और आज 70% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका मेजर रीजन यही है कि डिप्रेशन में इंसान इसलिए जाता है जब वो कोई चीज एक्सपेक्ट करता है और वो चीज नहीं मिलती है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टुडे आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। वही ईमान का तकाजा है, उसी पल उसी मोमेंट हमें अपने ईमान को दिखाना होता है। मुसलमान एक दफा अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ता है, कसम खुदा की कयामत तक वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता है।
एक दफा कलमा जो पढ़ लिया वो मर्द मुजाहिद ही रहेगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आज हर दूसरा नौजवान आपको डिप्रेशन में नजर आता है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये अल्फाज मैं ताज्जुब करता हूं कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब तक मुझे डिप्रेशन का माना नहीं पता था। हम भी इम्तिहान में कई बार फेल हुए, पास हुए, कई दफा टीचर के हम लोग जूते खाए, वालिदैन के भी जूते खाए, लेकिन डिप्रेशन का डी नहीं मालूम। आज पता नहीं क्यों नौजवान बच्चे, फिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा बोल रहा है हम नर्वस। तो मैं कोसों दूर था हम लोग जब स्कूल में थे, नर्वस होना हमें मालूम नहीं था, जूते खाना मालूम था लेकिन नर्वस होना नहीं मालूम था। आज पता नहीं छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। तो ये डिप्रेशन में हमें कभी नहीं जाना है। ये पहला मेरा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से मैं दे रहा हूं। अगर आपको कोई पूछते हैं कि आज के एक्सपो से आपने क्या मैसेज लिया मुनव्वर जमा से, तो आपने कहना कि जो एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसके बाद दुनिया भर की परेशानियां उस पर क्यों ना आ जावे, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, वो हमेशा पॉजिटिव रहना है, वो पूर्व उम्मीद रहना है, वो अल्लाह पर यकीन रखना है। वही अल्लाह जो आपको ऐसे मुसीबतों में डालकर फिर उठाएगा। तो चमकाने की जब अल्लाह सुबहानहू तआला ठान लेता है तो चांद से अच्छा चमकाएगा आपको, सूरज से ज्यादा चमका के दिखाएगा आपको। लेकिन अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह को जो चमकाना होता है तो पहले आपको मुसीबतों में डालता है, फिर आपको मुश्किलात में डालता है, फिर आपको आजमाइशों में डालता है। वहां इंसान का सब्र टूट जाता है, वहां आपको सब्र दिखाना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान को एक पल में कामयाबी नहीं मिलती है, अल्लाह सुबहानहु तआला का निजाम है कि अल्लाह प्रोसेस से गुजारता है। कुन फायकुन का मालिक हो जा तो चीज हो जाती है, ऐसा पावरफुल पावर ऑफ ऑल पावर्स अल्लाह सुबहानहु तआला। यहाँ एक बहुत जबरदस्त तालीम दीन है, पूछे उनसे कि अल्लाह सुबहानहु तआला इस दुनिया को बनाने 6 दिन क्यों लिए हैं, क्या अल्लाह को वाकई 6 दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए था इस दुनिया को बनाने? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए था, हो जा तो दुनिया हो जाती, लेकिन अल्लाह ने 6 दिन इंसानों को बताने के लिए किया कि बनने के लिए वक्त लगता है, सवरने के लिए वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने वक्त लगता है। हिम्मत हमें कभी नहीं हारना। हाँ, आपकी आंखों के सामने कोई 6 महीने में कामयाब हो जाता है, अगर आपको 6 महीने में कामयाबी मैसर नहीं होती है, आपने 6 साल मेहनत करना है, आपने 20 साल मेहनत करना है। एक नौजवान लड़का यहाँ पर 15 साल के बाद सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्मी में देकर वो इम्तिहान लिखता है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, कितने लाखों बच्चों से कम्पीट करके माशाल्लाह वो आज भी कामयाब होता है। आपके 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 रगों में तो गर्म खून दौड़ रहा है। नौजवान बच्चे हैं आप सब लोग, जो चाहे वो आप लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आप लोग के दिलों में चाहत ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग की लाइफ में एक डायरेक्शन हो, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलती है। मैं सलाम करता हूं कि एक्सपो के जिम्मेदारान को कि एक जबरदस्त इनिशिएटिव लेकर आए हैं, और इस सरजमीन औरंगाबाद से इंशाल्लाह अगर ऐसे एक्सपो हर साल होते रहे, कसम खुदा की देखना औरंगाबाद आसमान में जैसे चांद चमकता है वैसा ये औरंगाबाद आबाद रहेगा इंशाल्लाह। और औरंगाबाद के नौजवानों, आप लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जैसे चमकना इस देश में, डॉक्टर APJ कलाम साहब जैसे चमकना आप लोग, और इसके लिए आप लोग को बहुत से चीजों की कुर्बानी देना होता है, आपको बहुत से कुर्बानियां देनी होती है। कोई चीज बड़ा आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो सैक्रिफाइस वाली सीढ़ी होती है, सबसे पहली सीढ़ी सैक्रिफाइस, कुर्बानी। जितने प्रॉफिट इस रोहे जमीन पर आए हैं उनके हिस्ट्री में जाएं, पढ़ें उनके बायोग्राफीज, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। सारे प्रॉफिट्स वो आज नौजवानों को पता भी नहीं है। हम समझते हैं तो ईद बस कपड़े पहन ले ईद हो जाएगी। आप देखें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो लोग क्या कुर्बानियां दी है। आज भी आप कुछ पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, प्यारे नौजवान बच्चों, पहली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का नाम है सैक्रिफाइस, कुर्बानी आपने देना है। और कुर्बानी काहे की देना है आपने? मोबाइल फोन की कुर्बानी देना है। ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में आकर
हमें निकम्मा बना दिया है। है तो स्मार्टफोन, लेकिन इस्तेमाल करने वाले अफसोस स्मार्ट इंडिविजुअल्स नहीं है। आपको करोड़ों दर्जे स्मार्ट बनना है उस स्मार्टफोन से भी। यू नीड टू बी स्मार्टर एंड यू नीड टू बी वेरी स्मार्टर इन फैक्ट टू हैंडल दैट फोन। ये जो हाथ में आपके फोन होते हैं, ये नौजवान बच्चों, ये फोन नहीं, दरअसल ये आग का गोला आपके हाथ में है। ये आपको जलाकर राख कर देगा। इससे जितना दूर आप रहेंगे उतनी कामयाबी के करीब आप जाते रहोगे। ये ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, आप मंजिल कभी देख नहीं पाएंगे अपने जिंदगी में। हाँ, जो जवानी में आप अच्छे काम समझते हो कि दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ फिरना, होटलिंग करना, पार्कों में जाना, पता नहीं क्या क्या चीजें करना, इसी को आप कामयाबी समझते हो, तो नौजवान बच्चों, आप लोग यू आर इन ए वेरी बिग मिसकंसेप्शन। आप लोग बड़ी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो। ये गफलत से आपने जागना है, आपने खड़े होना है। काम करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। आप याद रख लें कि अल्लाह सुबहानहू व तआला जब इंसानों को बनाया है तो बखूब जानता है अल्लाह सुबहानहू व तआला कि ये इंसानों को कामयाब करना है, और अल्लाह चाहता है कि सारे इंसान जन्नत में जाएं, सारे इंसान जहन्नम के आग से बच जाएं, ये अल्लाह की चाहत है। और जब अल्लाह ने ये डिसाइड किया कि ये इंसानों को मुझे जन्नत में भेजना है, तो अल्लाह ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूहे जमीन पर भेजा है। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सिर्फ चार किताबें भेजी हैं, सिर्फ चार आसमानी किताबें, लेकिन 1,24,000 टीचर्स को उतारा है इस जमीन पर। और ये साफ मैसेज है कि इस जमाने को टीचर्स की जरूरत है, ज्यादा सिलेबस की जरूरत नहीं है, अच्छे टीचर्स की जरूरत है। इसीलिए मुअल्लिम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूहे जमीन पर भेजा है अल्लाह सुबहानहू व तआला ने। और हमें बहुत से टीचर्स की जरूरत है, वो टीचर्स जो हमें डायरेक्शन दें, वो टीचर्स हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताए, वो टीचर्स जो दुनिया के स्किल्स हमें सिखाए। आज सारी चीजें सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अफसोस स्कूल्स में जो तालीम हो रही है वो 1 साल के लिए तालीम होती है। अगर यहाँ कोई लड़का 10th स्टैंडर्ड का है, उसके मार्क्स पूछे वो 9th में कितने मार्क्स आए, वो अगर कहता है मुझे 98% आए, 8th में मुझे 98% आए, 7th में मुझे 98% आए, 6th में मुझे 98% आए, और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को कभी 98% से कम आए नहीं स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक, और उस बच्चे के पास जाकर मैं अगर सवाल करूं कुछ 7th स्टैंडर्ड की किताबें लेकर, अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो समझ लें कि वो तालीम जो हासिल कर रहा है वो 1 साल के लिए ही तालीम हासिल कर रहा है। ये स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, बल्कि तालीम वो होना चाहिए जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो आखिरी सांस तक वो चीजें आपके सीने में दफन होना चाहिए। वो मदारिस में होता है। एक आलिम दीन को कोई चीज पढ़ाया जाता है वो सीने में दफन हो जाती है। आज जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, थोड़ी सी क्या चीजें हमें याद है, उसके बाद सारी चीजें भुला बैठे हैं हम लोग। साइंस हमें याद ही नहीं है। स्कूल में हमें 99% भी आए हैं, 95% भी आए हैं, लेकिन कोई चीज हमें याद ही नहीं है। क्यों सोचते हैं? वो सारी चीजें आप पा सकते हैं इंशाल्लाह। उसके लिए आपको मेहनत करना है, उसके लिए अच्छे टीचर्स की तलाश करना है। जैसे ईद आती है तो कपड़े तलाश करने के लिए मार्केट में जाते हो, उसी तरह अच्छे इंस्टीट्यूशन तलाश करना, अच्छे टीचर्स तलाश करना, अच्छे उलमा तलाश करना, फिर आपको कामयाबी मिलती है। माशाल्लाह मुझे अल्लाह सुबहानहू तआला ने इतने तोहफे दिए हैं, इतने प्राइसलेस तोहफे दिए हैं। अगर मुझे कोई पूछते हैं कि वो तोहफों की प्राइस लगाए, कसम खुदा की मैं वो प्राइस नहीं लगा सकता। आप प्राइस आईफोन की लगा सकते हो कि ये 1.5 लाख की है, आप प्राइस मर्सिडीज बेंज की लगा सकते हैं कि ये 2 करोड़ की है, आप प्राइस रोल्स रॉयस की लगा सकते हैं कि ये 8 करोड़ की है, लेकिन मुझे जो अल्लाह सुबहानहू तआला ने गिफ्ट दिए हैं उसका प्राइस मैं नहीं लगाता। वो गिफ्ट कौन है? वो गिफ्ट है अच्छे इंसान, वो गिफ्ट है अच्छे टीचर्स। जो मैंने जिंदगी टीचिंग करियर मैंने शुरू की है माशाल्लाह 2006 से, तब से 2022 तक अल्लाह सुबहानहू तआला ने इन्यूमरेबल ग्रेट पर्सनैलिटी से मुझे मिलवाया माशाल्लाह, और वो लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो कैसी लगी आपको ये मोटिवेशनल स्पीच मुनव्वर जमा सर की? मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि सर से मैंने मुलाकात किया, यानी
सर जब जा रहे थे तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, लेकिन वो यानी किसी को देख नहीं रहे थे, बस जिसने मिला लिया वो जानता है कि उसने हाथ उनसे मुलाकात किया। तो सर की स्पीच सुनकर बहुत ही मोटिवेशन मिली और काफ़ी लोगों ने भरपूर तरीके से वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके के मैं व्लॉग अपने चैनल पर बनाता रहूँ, वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू सो मच।